Good morning, students. Today we will start our new chapter of science, that is chapter number 11, the work and energy. So, इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है. एक में हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे एनर्जी और कितने टाइप्स की एनर्जी होती है उनके बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क. तो आप डेली लाइफ में कितनी बार बोलते हो, आज तो मैंने बहुत सारा काम किया है. तो आप पढ़ाई करते हो, जैसे अभी आपने रीडिंग स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट किया, तो वहां पे आप बोलते हो मम्मी मैं तो बहुत थक गया या बहुत थक गई, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है. तो वो जो होता है वो वर्क नहीं होता है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर या अकॉर्डिंग टू द साइंस डेफिनेशन. अगर हम बात करें साइंटिफिक टर्म्स में या साइंस की लैंग्वेज में, हम उसको पढ़ना या टीवी देखना या फिर आप एक जगह बैठ कर गेम खेल रहे हो, तो वो सब वर्क नहीं होता है. तो अब बात आती है कि वर्क होता क्या है. व्हाट इज द वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक टर्म्स, कि जो साइंटिफिक टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वर्क का डेफिनेशन क्या हो. सो लेट रीड अबाउट दिस, दैट वर्क इज डिपेंडेंट ऑन टू कंडीशन. कि वर्क जो होता है वो दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ये दो कंडीशन अगर पूरी हो जाती है, तभी हम क्या कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हुआ है. सो देयर आर टू कंडीशन नीड टू बी सैटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन. यानी कि वर्क करने के लिए आपके पास में दो कंडीशन है और वो दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप कह सकते हो कि आपने जो है वो वर्क किया. सो लेट्स रीड अबाउट द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. यानी कि अगर वर्क करवाना है आपको तो एक फोर्स जो है वो अप्लाई होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, सेकंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस. और सेकंड क्या होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट का आपने फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब अपनी जगह से हिलना चाहिए. जैसे आपने एक बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, उसको आपने उस बुक को उठाया और अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको मूवमेंट किया, तो बुक अपनी जगह से क्या हो गया, हिल गया. और बुक को उठाने के लिए आपने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स. तो यहाँ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, और आपने जो अप्लाई किया वो क्या हो गया, फोर्स. और बुक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, इसलिए वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट. तो ये आप क्या कह सकते हो कि ये मैंने वर्क किया है. या फिर अगर कोई टॉय कार है उसका कोई बच्चा अगर धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो पुशिंग की वजह से पुश पे उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया. और कार क्या हो गई, जब पहले से कार से आगे चली गई, इसका मतलब डिस्प्लेस हो गई. तो यह वो बच्चा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. मतलब कि वर्क कब होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो और उस फोर्स की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर लेता है, इट मींस डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, दैट वर्क हैज टू बी डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट. कि वर्क हुआ है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो बेसिकली जो है वो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर आपको कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन दिया और आपको बोले कि वर्क निकालना है, तो आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए फोर्स और एक होना चाहिए आपके पास में डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का सिंबल जो होता है, फोर्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं. इसलिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस. अब आता है कि अगर आपके कोई भी, जैसे आप डिस्टेंस की यूनिट बताते हो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, दूरी की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी डिस्टेंस की यूनिट होती है. ठीक है, वेट का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है. तो ये सब आपको पता है. तो अब जो आपने वर्क अगर आप निकालोगे तो वर्क का भी कोई यूनिट तो होना ही चाहिए, इसलिए अब हम वर्क की यूनिट रीड करेंगे. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, ठीक है, तो दूरी का यूनिट क्या हो गया, मीटर. तो या तो वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर वर्क का यूनिट क्या हो सकता है, जूल. ठीक है, तो न्यूटन मीटर और जूल क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ द वर्क. तो ये वर्क की यूनिट होती है. अब एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगी, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है इसको. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यहाँ पे आपको 5 न्यूटन क्या है, क्या दे रखा है, आपको फोर्स दे रखा है. कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल के अंदर सारी वैल्यूज गिवन होती है, हमें सिर्फ क्या याद रखना होता है, फॉर्मूला. ये न्यूमेरिकल पोर्शन क्या होता है, जैसे आपके मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्या होता है, साइंस में फिजिक्स पोर्शन होता है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइम आपको जो है वो फॉर्मूला याद रखना होता है. सो यहाँ पे आएगा फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है,
जहाँ पे फोर्स लगाया है उसकी डायरेक्शन के अंदर क्या हो गया है, 2 मीटर की डिस्टेंस हुई। जैसे मैंने इस साइड से 5 मीटर का फोर्स लगाया है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और पहले का चला गया दूसरी साइड में चला गया, कितना मीटर डिस्टेंस क्रॉस किया उसने, 2 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो एक ही बात होगी, ठीक है। तो अब आपके पास में फोर्स आ गया है या आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। नाउ इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन फाइंड वो, यानी कि ये बोला है कि फोर्स जो है वो कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे लग रहा था, तो अब आप जो है मुझे वर्क बताइए कि 2 मीटर का काम मिलेगा आपको, 5 मीटर का और 2 मीटर का। तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था आपको वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके आप इसको क्या लिखोगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एफ इनटू एस। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स कितना था आपके पास में 5 न्यूटन, आपने लिख दिया 5 न्यूटन। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी आपके पास में 2 मीटर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 मीटर। एंड 5 × 10 और न्यूटन इनटू मीटर, या तो न्यूटन मीटर यूनिट यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, या फिर आप क्या यूनिट कर सकते हो जूल, जिसको हम जे से डिनोट कर सकते हैं। अब आता है एक्टिविटी कि फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और फोर्स जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये दोनों केस कब होते हैं, फोर्स कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स के ऊपर ही हमारा क्या डिपेंड करता है, वर्क, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। सो द बेबी एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, कि एक कार जो है वो आगे जा रही थी और बेबी ने भी फोर्स करके उस कार को जो है और आगे स्पीड के साथ मूव करवा दिया। जैसे एक कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही है राइट हैंड साइड में, तो बेबी ने भी वहां पे फोर्स किया और उसको राइट हैंड साइड में मूव करवा दिया। देन अब उसमें इस केस में क्या हो रहा है कि जहां पे पहले चल रही थी वहीं पे उसी डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स का और दूरी का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो जब फोर्स और दूरी यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब हम क्या कहते हैं, दैट इन द सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो उसका इंकार करता है कि जो वर्क है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब एक और केस लेते हैं, अ सिचुएशन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब स्पीड से चल रहा है, एक कार जो है वो चल रही है अलॉन्ग विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक डायरेक्शन में चल रही है। तो मान लेते हैं कि राइट साइड के अंदर जो है वो कार चल रही है। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, जो जिस मोशन में चल रहा हो उसके अपोजिट में अगर आप उसे रोकोगे तो उसे आप क्या कहेंगे, रिटार्डिंग फोर्स। तो अब जो ये कार है वो इस डायरेक्शन में चल रहा था इस तरीके से, और हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया उसको गाड़ी को रोकने के लिए, तो मैंने इस डायरेक्शन में रोकने के लिए फोर्स अप्लाई किया, तो मैं फोर्स का लगा रही इस डायरेक्शन में और गाड़ी का जा रही है इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। एंड दैट सिचुएशन द वर्क बाय द फोर्स इन सच सिचुएशन इज टेकन एज नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में आपका जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जो दोनों एंगल है दोनों डायरेक्शन का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, वो डायरेक्शन कितना हो गया एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने की वजह से जो आपके पास में वर्क आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड न्यूमेरिकल है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg, कि एक पोर्टर है उसने अपना जो है 15 किलो का वेट जो उसका सामान है वो उठा रखा है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के अगेंस्ट में उसने उठाया है उसके हाथ में, जैसे आप अपना बैग लेकर चल रहे हो मगर, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, और उसके बाद में उसने क्या किया, उसको अपने हेड पे रख दिया, ठीक है। तो उसका ग्राउंड से हेड की डिस्टेंस जो उसने इतना ही बताया कि 1.5 मीटर जो है उसका डिस्टेंस है, वो बैठा हुआ कुछ भी करा होगा बट डिस्टेंस आपको कितना दिया है, दैट इज 1.5 मीटर अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर तक का डिस्टेंस कितना है उसका 1.5 मीटर है, ठीक है, और 15 kg का आपको लगेज है। देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय देम ऑन द लगेज, तो अब आपको वर्क डन निकालना है कि लगेज के ऊपर उस पोर्टर ने कितना वर्क किया है। तो आप कैसे निकालोगे, आपके लिए जो डिफिकल्ट हो गया क्योंकि आपके पास में क्या है, डिस्टेंस तो है, डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन आपके पास फोर्स है क्या, फोर्स नहीं है। कैसे पता आपको फोर्स नहीं है, क्योंकि केजी किसका यूनिट होता है,
न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन यूनिट नहीं आया इसका मतलब ये फोर्स नहीं है। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे देखते हैं। एम इक्वल्स टू क्या होता है 15 kg, एम यानी कि वेट या मास बोलते हैं, तो मास कितना है 15 kg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1.5 मीटर, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एफ इंटू एस, क्योंकि बल का फॉर्मूला तो यही है। अब इस एस को जो होता है एक और फॉर्मूला आता है, एफ को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस एफ को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है एम इंटू जी, तो यहाँ का फॉर्मूला किस में बदल गया एफ की जगह आप क्या काम में लोगे एम और जी, एम क्या है मास और जी क्या है ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में वर्क किया ना, कोई भी चीज अगर आप ग्राउंड से उठाती तो वो क्या करती है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में वर्क करती है, इसलिए तो जब हम अर्थ से बाहर चले जाते हैं जो ये एस्ट्रोनॉट वगैरह तो वो क्या करते हैं फ्लोट करते हैं, क्योंकि अर्थ में वो हम लोग फ्लोट नहीं करते क्योंकि हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है अर्थ का, लेकिन जब हम अर्थ से बाहर चले जाते हैं तो वो ग्रेविटेशन फोर्स हमारी बॉडी पे लगना बंद हो जाता है, इसीलिए जैसे जैसे हम अर्थ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो है ये जी क्या है आपका ग्रेविटेशन फोर्स है और ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है कि जी कितना होगा हमेशा 10 ही होगा, दिस इज फिक्स ठीक है। वो चाहे आप फर्दर क्लासेस में चले जाओ चाहे पूरी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, बट ये यूनिट तो कितना रहेगा 10 ही रहेगा, दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर ही होता है, चेंज नहीं होता है कहीं पे भी, वैसे जी इक्वल टू क्या होगा 10 ही होगा ठीक है। अब आता है एम कितना है 15 kg, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बॉल में होता है सेकेंड स्क्वायर ठीक है, और ये एस कितना है आपका 1.5 मीटर। अब आप इसको जब करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास में आ जाएगा 225, चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन करके 225 आ जाएगा, सो दिस इज 225 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर, इतना बड़ा यूनिट तो हम लिख भी सकते हैं, ये यूनिट भी गलत नहीं है, बट इतना बड़ा यूनिट आपको काम में नहीं लेना है तो आप वर्क का यूनिट लगाओ, क्योंकि हमने निकाला क्या है वर्क ही तो निकाला है, तो आप यहाँ पे वर्क का यूनिट काम में लोगे 225, जैसे ये वर्क का है ये भी हमने वर्क को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे जो ये वर्क होगा ये क्या हो जाएगा 225 न्यूटन मीटर, या फिर आप क्या बोल सकते हो और 225 जूल। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन के साथ में एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक द वर्क क्वेश्चन इज डन, हमारा जो है इस टॉपिक के एंड के साथ में इस चैप्टर का वर्क क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिया है। नाउ आई एम स्टेपिंग अ साइड एंड यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट।